आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने के लिए जा रहा हूं जिससे आप जान लोगे ना, आपकी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी, कभी दुख नहीं रहेगा, जीवन में हरदम सुखी सुख रहेगा। आज एक ऐसी जानकारी आपके बीच लेके आया हूं, अगर आप ये जानकारी पूरी अंत तक बने रह के देखोगे ना, तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा भाई, गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ आ गई जो आज मैं बताने के लिए आया हूं, तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना, क्योंकि अभी हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे होते हैं उनके लिए खाने से पीने तक का इंतजाम कर सके। इसमें आपका एक सहयोग चाहिए, खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अगर बेल आइकन को दबाते हो तो जब जब हम लाइव आते हैं, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान आदि कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उसका समाधान हमसे लाइव में जुड़ के ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, मेरी वीडियो तो देखते नहीं होंगे, आपको जितनी आपको जानकारी चाहिए उसी हिसाब से आप चैनल सर्च करते होंगे, उसी हिसाब से आप वीडियो देखते होंगे। कोई देखता होगा मसाने को कैसे हटाया जाए, कोई देखता होगा सिद्धि कैसे की जाए, किसी को मेरी वीडियो पसंद आती है, किसी को और किसी की वीडियो पसंद आती है, उसी हिसाब से आप कमेंट भी करते हो और चैनल से या दरबार से आप जुड़ के चलते हो। तो आज मैं जो बताने के लिए आया हूँ, आपको लेकर आया हूँ मंत्रों का ज्ञान। क्या आपको पता, कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में ओम आता है या फिर अंत में ओम आता है, हरि ओम, ओम नमः शिवाय। तो ये क्यों है? सारा जो आपका ब्रह्मांड का सुख है ना, जो वो छुपा हुआ, जो ओम मंत्र में छुपा हुआ है। अगर आप ओम मंत्र की महिमा समझ लेते हो तो भाई जी आपका जीवन का तरीका, पैसों की कमी, आपके घर में दुख सारे दूर हो जाएंगे भाई। वीडियो में अंत तक बने रहना, जब भी आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। ऐसे ही आज की मैं वीडियो एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। ऐसे ही भाई हमारे, तुम्हारे जैसे भाई, मैं अपने आप को ले लूँ, मेरे जैसे एक मूर्ख इंसान पैसों के लालच में आके कि उसको ये पता लगा कि हम मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, हमें सिद्धियाँ मिल जाती है, हमें सारी चीज़ हो जाती है, तो भाई जी हमारे पास पैसे की ब्रह्मांड हो जाती है, हमारे पास पैसा आ जाता है, जीने का सुख आ जाता है, हर चीज़ का तरीका हमारे जीवन में आ जाता है। तो उसी हिसाब में भाई मैं, मेरे जैसा एक पापी इंसान, मेरे जैसा एक पापी इंसान सिद्धि साधना लाइन में चला जाता है। वो सिद्धि साधना लाइन में जाने के बाद, क्यों मैं आप किसी और का नाम लेके कहूँगा तो बोलेगा भाई आप तो हमें टारगेट कर रहे हो, हमें ये कर रहे हो, सारी चीज़ को कर रहे हो, तो मैं अपने आप से ही कंपेयर करके चलता हूँ भाई। तो सिद्धि लाइन में आ गया, सिद्धि साधना लाइन में आ गया, वो कहने लग गया भाई मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो सारी चीज़ें, मैं ये मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ, मैं ये मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ, गुरु मंत्र मिल जाएगा तो मुझे मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी, सारी चीज़ मेरी लाइफ बदलने का तरीका चेंज हो जाएगा, जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। भाई मैं किसी आश्रम में जाके जुड़ गया, मेरे जैसा एक पागल इंसान किसी आश्रम में जाके जुड़ गया, वो भगत जी के पास रहने लग गया, भगत जी उससे काम भी कराते, मेहनत कराते, उसे सिखाते भी सारी चीज़ करते, उसको होते होते 2-3 साल बीत गए। अब मेरे जैसा पापी इंसान अब बोला महाराज जी मुझे गुरु दीक्षा तो दीजिए, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहता हूँ, सारी चीज़ करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहता हूँ, मुझे भी जीने का तरीका दीजिए, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से क्या करने लग गया भाई, वो गुरु जो उनका गुरु बना रखा था, उस गुरु ने उनके कान में एक मंत्र दिया, और मंत्र क्या था? ओम। अब लड़का बड़ा खुश हुआ भाई, लड़का खुश हो गया, सारी चीज़ हो गई। तो भाई वो अपने घर आ गया, घर आने के बाद वो मंत्र का जाप करने लग गया, ओम ओम ओम, वो मंत्र का जाप कंटिन्यू उसने स्टार्ट कर दिया। मंत्र का जाप, जैसे उसने मंत्र का जाप किया, उसने बोला मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे, मुझे कुछ चीज़ पता ही नहीं लग रही। वो कह रहा गुरुजी ने मुझे कभी गलत मंत्र तो नहीं दे दिया, मुझे गलत चीज़ तो नहीं बता दी। तो घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है तो मंदिर के पास आता है, तो पुजारी जो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसने देखा वाह भाई पुजारी भी ओम मंत्र का जाप कर रहा है। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो भी कह रहे थे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, तो उसमें भी ओम आ रहा। लड़का कह रहे यहाँ भी ओम है, ये मंत्र को तो सबको पता है, गुप्त कहाँ से हो गया, गुप्त मंत्र कहाँ से हो गया, ये तो मंत्र सबको पता है। तो मंत्र का जाप करते रहे, वो अपने गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आपने मेरे को तो ऐसा ही मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप तो सभी को पता, सब कोई ओम 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 करता रहता है। तो गुरुजी ने उनको एक पत्थर दिया, फिर जाओ ये पत्थर लो, अरे पत्थर बाजार में बेच के आओ, और इसके जितनी ज़्यादा कीमत लेके आते हो आप बताना मुझे। वो जो भगत था मेरे जैसा पागल था, वो बाजार में घूमने के लिए गया, उसने
पत्थर दिया, इस पत्थर को खरीद लो, सब उसको भगा देते, कोई उसको भगा देता, कोई गाली देता, कोई उसको भगा देता, कोई गाली देता, इसी तरीके चलता रहा, वो घूमता फिरता, एक लास्ट में सुनार की दुकान पर पहुंचा। जैसे वो सुनार की दुकान पर पहुंचा, सुनार को उसने पत्थर दिखाया, तो सुनार बोला, इतना कीमती पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो नग है, मोती है ये, तो ये कहाँ से आया, इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, बहुत महंगा पत्थर है, इसके पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। वो उस पत्थर को लेकर अपने भगत जी, अपने भगत के पास गया, जहाँ वो दरबार में जुड़ा हुआ था। उस दरबार में आके बोला कि भगत जी, मैं तो हर किसी के पास गया, हर किसी के पास सारी चीज़ों गया, किसी ने इस पत्थर की कीमत नहीं समझी, पर मैं सुनार की दुकान पर गया तो वो बोला, तो काफ़ी महंगा पत्थर है, इसकी कीमत ये तुम्हें मिल कहाँ से गया। तो भगत जी कहते, इसी तरीके से हमारा ओम मंत्र है, जो इसको समझ लेता है, जान लेता है, उसके लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं जान सकता उसके लिए गुप्त है। तो हमारी लाइफ में जितने भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, पहले इनका महत्व समझो। आपने YouTube से मंत्र उठाया या कहीं से भी मंत्र उठाया, तो उसका तो आप कर ले जाप, जब तक उस मंत्र का फल आपको नहीं पता ना, क्या फल मिलेगा मुझे, क्या इसकी सिद्धि है, क्या साधना है, उस मंत्र के बारे में अगर आप पूरा नहीं समझ लेते तो आपको मंत्र जाप करने का हक नहीं है। कोई भी मंत्र को गुप्त रख के किया जाता है। आपको मैं एक बताता हूँ, ओम मंत्र क्या है। शिव कहते हैं, मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ तो शिव की मर्जी है। आज जो चूहा होता ना, चूहा बिल्ली उसको खा जाती है, तो खाने वाले भी शिव है और खिलाने वाले भी शिव है। जो बिल्ली के पेट में जा रहा है वो भी शिव है, जो खा रहा है वो भी शिव है, हर जगह शिव है। आदमी जी रहा है तो वो भी शिव है, मर रहा है तो वो शिव है, आदमी बच्चा जन्म ले रहा तो वो शिव है, मर रहा है जब चिता पे जा रहा है तो वो शिव है। सब हमारी शक्तियों के साथ ओम मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। ओम मंत्र हमारे शरीर को, हमारे जीवन को जीने का तरीका देता है, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने का तरीका देता है, आपकी ज़िंदगी में आने वाले दुखों को कंट्रोल करता है। कोई भी मंत्र आप जाप करते हो उसकी शक्ति को नियंत्रित करता है ओम। आप बिना ओम मंत्र लगाए कोई भी मंत्र जप करते हो ना, तो आप 4 से 5 दिन में जप करने के बाद खाट में जाके गल जाओगे और आपकी तबीयत इतनी गंदी खराब हो जाएगी, आपके उठना बस की नहीं रहेगा। ओम की जो पावर है, जब आप मंत्र सिद्ध करते हो तो ओम की पावर जो होती है वो कंट्रोल करती है आपके शरीर में आने वाली शक्तियों को। आपकी ऊर्जा जो बढ़ रही है, आपके शरीर के अनुसार कितनी ऊर्जा चाहिए आपको, उसको वो करता है। जैसे कि एक मशीन होती है ना, ऑयल फैक्ट्री होती है, उसमें बीच में छलनी लगाते हैं, दूध छानते हो, फिल्टर करके दूध को डालते हैं कि मलाई अलग रह जाए, दूध अलग हो जाए। इसी तरीके से जो ओम मंत्र है स्टार्टिंग में लगाया रहता है, वो फिल्टर करता है भाई जी आपके शरीर के अनुसार आपकी क्षमता कितनी है कितनी नहीं। और जो कहता हूँ भाई मेरी शरीर की क्षमता तो इतनी है, मैं तो इतने मंत्र जाप कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, बिना ओम लगाए आप मंत्र जाप करके देख ले, 11 दिन के अंदर आप खाट में ना पड़ जाओ, बुखार ना हो जाए, तबियत खराब ना हो जाए, तो मुझे बोल देना भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओम जो काम करता है वो हमारे फिल्टर का कार्य करता है। तो भाई ओम जो है ना, अगर आप पूरे दिन में कहीं कोई मंत्र जाप नहीं करें, कुछ नहीं करें, अगर आप नॉर्मली ओम का जाप करते हैं ना, ओम का एक माला दुख में निकालते हो, एक माला शाम को निकालती, तो आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लमों को फिल्टर कर देगा, काम करेगा वो ओम मंत्र। आपकी जो अच्छी चीज़ होगी वही आपके पास आएगी, बुरी चीज़ों को आपके से दूर रोक देगा जो ओम मंत्र है। आपके अच्छे के लिए चलने वाला का जो मंत्र है वो खाली ओम है। ब्रह्मांड में जो 24 घंटे आपके कहीं ना कहीं जप होता रहता है वो है ओम मंत्र। और कहीं भी आप मंत्र चले जाओ, किसी भी मंत्र में आप चले जाओ, ओम जो है वही आपका सारी चीज है। ओम की ऊर्जा है ना, जो उस ऊर्जा को अगर आप पहचान लोगे ना, तो आप सृष्टि के सारे उसको पहचान सकते हो। ज्ञान बहुत है, आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, हर किसी में ओम का जिक्र है। आप हिंदू ग्रंथ उठा लीजिए, मुस्लिम ग्रंथ उठा लीजिए, आप कोई भी ग्रंथ उठा क्यों ना उठा लीजिए, हर कहीं ओम का वो है। तो ओम की शक्ति को पहचानो, ओम ही सब कुछ है और ओम ही से आपका सब कुछ चलेगा। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको छोटी सी शिक्षा दी, आपको पसंद आई होगी। आज या नहीं तो कल पक्का लाइव मिलेंगे, आपकी हर एक चीज़ का समाधान दिया जाएगा, आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी। अब वीडियो का टाइमिंग डेली डेली बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब अपना ऑफिस तैयार हो गया है, एक बार ऑफिस का रिव्यू भी दिखाएंगे, और भाई अपना दरबार भी रेडी है, दरबार के अंदर भी आपको लेके चलेंगे, क्योंकि दरबार शिवरात्रि के दिन इसका उद्घाटन करते हुए दरबार यहाँ पर चालू कर देंगे। तो बोलो जयकारा सच्चे दरबार का, हर हर महादेव, हर घर महादेव।